नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कवर कर रहे हैं। पार्ट वन में पहले बना चुका हूँ, आज पार्ट टू में हम कुछ इश्यूज इसके बात करेंगे। तो इसमें जब 42 अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों 1976 में, पहली बात ये इंदिरा गांधी जी के टाइम हुआ था। 1975 से 77 तक इमरजेंसी लगी थी, ये तब लाया गया था 76 में। और इसको दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आया और बहुत सारे चेंजेस हुए, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें जो आर्टिकल 39 था हमारा डीपीएसपी का, वो जोड़ा गया टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ बनानी चाहिए जिससे हमारे चिल्ड्रन का, जो हमारे जो देश के बच्चे हैं, उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। और आर्टिकल 39A को जोड़ा गया, इसमें कहा गया टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, कि मतलब अगर कुछ पुअर से, गरीब से कुछ हो जाता है, उसे लीगल एड चाहिए और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसको एक सरकारी वकील या लीगल एड दी जाएगी। आर्टिकल 39A इसमें जोड़ा गया। 43A जोड़ा गया, उसमें कहा गया टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जो यूनियंस होती हैं उनके जो मैनेजमेंट, वर्कर्स के आवर्स कितने होने चाहिए, घंटे कितने होने चाहिए, उनके वेजेस कितने होने चाहिए, उनका रेस्टिंग आवर्स कितने होने चाहिए, वो सब बातें इसमें कही गई कि हमको इस पर काम करना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे। और 48A में कहा गया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि हमको फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम हो और इकोसिस्टम बैलेंस रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो ये चार प्रिंसिपल 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा डीपीएसपी में जोड़े गए, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और 44th अमेंडमेंट 1978 हुआ, ये इमरजेंसी के बाद का टाइम था दोस्तों। इसमें एक प्रिंसिपल और जोड़ा गया, उसमें कहा गया कि स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, ऑक्सफैम एक एनजीओ है, वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है ऑक्सफैम, उसमें ये कहा गया कि जो हमारे रिच क्लास है कंट्री की, उसके पास 53% वेल्थ है 1% लोगों पे, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया। और आप देखिए 99% लोगों पे बाकी की वेल्थ यहाँ पर है, तो ये इनइक्वालिटीज को कम करने की बात इसमें कही गई। स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए उन लोगों को, ये बात कही कि स्टेट को इस पर काम करना चाहिए। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, आर्टिकल 38। और जो जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत, इसमें जोड़ा नहीं गया, इसमें आर्टिकल जो 45 था उसको फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21A के अंदर। मैं अच्छे से इस पर वीडियो ले चुका हूं, आप इसको जरूर देखिएगा कि कैसे फंडामेंटल राइट बनाए। डीपीएसपी 45 को, आर्टिकल 45 को 20A में कर दिया और उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों अमेंडमेंट आप याद रखिएगा। एक अमेंडमेंट और है, 97th अमेंडमेंट हुआ 2011 में, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। पूछा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई, तो आप याद रखिएगा 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा लाई गई। इसमें कहा गया कि इट रिक्वायर्ड द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी, जो ऑटोनोमस फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट उनको प्रमोट करे, एनजीओस को प्रमोट करे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करे, बेटर मैनेजमेंट हो सके स्टेट का, उसमें ये बात कही गई। और 97th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जोड़ा गया दोस्तों। अब इसके पीछे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम लाए, इसके पीछे रीजन क्या था? तो जो बी एन राव थे, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, याद रखिएगा। बी एन राव क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उन्होंने कहा कि हमने दो तरीके के इंडिविजुअल को राइट दे दिए, एक जस्टिशिएबल एक नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल कौन से हैं? फंडामेंटल राइट, जिसकी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। और नॉन जस्टिशिएबल कौन से हैं? डीपीएसपी। जो फंडामेंटल राइट हैं वो कौन से पार्ट में आते हैं दोस्तों? पार्ट थर्ड में आते हैं। और जो डीपीएसपी है वो पार्ट
फोर्थ में आता है। तो इसके बाद कहा गया है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, लेकिन आर्टिकल 37 ये क्लियर करता है प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये भाई जो भी सरकार बनेगी, जो भी स्टेट में सरकार बनेगी, सेंटर में सरकार बनेगी, उसकी ये ड्यूटी होगी इन प्रिंसिपल को फॉलो करना, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल हैं किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए। अगर ये नॉन जस्टिशिएबल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको फॉलो नहीं करा जाएगा। आज भी आप देखेंगे दोस्तों, आप ये तीनों पार्ट उठा लीजिएगा, गांधीयन, लिबरल और सोशलिस्ट, जो भी पॉलिसी बनती है दोस्तों ये एक बेस रूट होते हैं उसका। दे इम्पोज ए मॉरल ऑब्लिगेशन, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन को इम्पोज करता है कंट्री के गवर्नमेंट के ऊपर कि आपको ये तो आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी जिससे हमारा स्टेट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। ठीक है दोस्तों। और कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने यह कहा, नो मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टली। मतलब अगर इसको आप हल्के में लेते हैं ये जो प्रिंसिपल हैं, तो आपको जो इसमें ये बेसिकली ये बात कही गई है कि जो आने वाले वोटिंग्स हैं, जो आने वाले चुनाव हैं, आपको उसमें लूज का सामना देखना पड़ सकता है, हार का सामना देखना पड़ सकता है। ये कृष्ण स्वामी ने कहा कोई मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होगी अगर पार्ट फोर को वो हल्के में लेते हैं। बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि गवर्नमेंट जो है विद रेस्ट ऑन पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर। अगर कोई वोट पे काम करती है, कोई काम करती है सरकार और वो इसको इग्नोर करती है तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, ये इनका मानना था बी आर अम्बेडकर जी का। इट विल सर्टेनली हैव टू आंसर फॉर दैट बिफोर इलेक्टोरेट एट द इलेक्शन टाइम। उसको जवाब देना पड़ेगा, उस गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई आपने क्या करा है उन 5 सालों में। तो ये बात बी आर अम्बेडकर जी ने कही थी। फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उन्होंने कहा कि हाँ ये नॉन जस्टिशिएबल है, लीगली नॉन एनफोर्सिएबल है। क्यों, उनसे पूछा गया कि भाई क्यों आपने इसको नॉन जस्टिशिएबल बनाया, तो उन्होंने 3-4 रीजन दिए। उन्होंने पहला रीजन ये दिया, आपने देखा मैंने लिबरल पढ़ाया, गांधीयन पढ़ाया और आपको सोशलिस्ट पढ़ाया, जो उसमें चीजें हैं दोस्तों एक बार ध्यान से पढ़िएगा उसको, जो उसमें चीजें हैं दोस्तों वो बहुत कॉस्टली है, मतलब उसके लिए बहुत रिसोर्स होने चाहिए और जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो बहुत पैसा लगेगा। एक दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि एक वास्ट डाइवर्सिफाइड और बैकवर्डनेस कंट्री के अंदर आज भी है, तो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो बहुत मुश्किल होगा, और अगर हम इसको आपको जस्टिशिएबल बना देते हैं तो लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएंगे और इससे बर्डन ऑफ कोर्ट्स भी बढ़ेगा। तो इन्होंने ये दो पॉइंट दिए। तीसरा पॉइंट ये दिया, जो न्यूली बॉर्न इंडिया था उसमें लोगों को समझाना पड़ रहा था कि उनको बताना पड़ रहा था कि हम अभी नए नए आज़ाद हुए हैं, अभी हम ये चीज़ें धीरे धीरे प्रोवाइड करा पाएंगे, तो इस वजह से एक तो रिसोर्सेज की कमी थी और बहुत वास्ट कंट्री थी जो हम इसको अप्लाई नहीं कर सके, जस्टिशिएबल और लीगली एनफोर्सेबल नहीं बना सके। और इसमें कहा गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, दे बिलीव मोर इन अवेकन पब्लिक ओपिनियन देन इन कोर्ट प्रोसीजर। ये कहते हैं कि जब तक जनता नहीं जागेगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है तो कोर्ट कब तक साथ देगा, कोर्ट के प्रोसीजर पे ये विश्वास नहीं रखते थे। कहते थे जनता को अपनी चीज़ें, अपना हक मांगना होगा, अपनी चीज़ों के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, ये बात इसमें कही गई थी दोस्तों। अब क्रिटिज्म आता है, मैंने आपको बताया हर चीज़ का क्रिटिज्म है और बहुत ही पढ़ लिखने के बाद इस चीज़ को, किसी भी चीज़ का क्रिटिज्म बहुत ही सोच समझ के होता है। पहला क्रिटिज्म तो यही कि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, सरकार इसको लागू करे या ना करे तो ये हम कोर्ट में नहीं जा सकते इसके लिए। लेकिन मैंने आपको बताया ये एक बेस रूट है किसी भी पॉलिसी का, किसी भी स्टेट की पॉलिसी का, आप देखिएगा कभी भी उठा के। जो आर्टिकल 47 था दोस्तों, जो उसमें आपका ये जो एल्कोहलिक वाली बात थी जो बिहार सरकार ने रिमूव करा, वो वहाँ से रिमूव करा, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इलॉजिकल अरेंजमेंट, इसमें कहा गया है कि जो इसका अरेंजमेंट है सोशल, लिबरल, इंटेलेक्चुअल और इसमें जो बातें हैं वो एक इलॉजिकल है, एक मतलब एक फिलोसफिकल क्रिएट कर दिया है, चीज़ें ये होने वाली नहीं है, ये बात कही गई है। कंजर्वेटिव, इसमें कहा गया है कि जो चीज़ें लिखी हैं कि इक्वल स्टेटस बनाएंगे और लीगल प्रोसीजर देंगे, तो ये कंजर्वेटिव सोच की बातें हैं, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और प्रॉब्ली इंडिया के लिए इससे बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों फोर्थ पॉइंट ये कहता है
कि जैसे सेंटर ने कहा स्टेट को लागू करने के लिए, अब सेंटर में किसी और पार्टी की सरकार है, स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट आएगा। प्राइम मिनिस्टर ने कोई बिल लाए, कैबिनेट कोई बिल लाई, प्रेसिडेंट नहीं साइन कर रहे हैं, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो ये चार इसके क्रिटिज्म थे दोस्तों। अब इसकी यूटिलिटी क्या है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल की? क्रिटिज्म की बात हो गई, क्यों लाए, जस्टिशियबल क्यों नहीं कर पाए, इसकी बात हो गई। अब जो एमसी सीतलवाड थे, याद रखिएगा दोस्तों, ये पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। इनका टेन्योर 1950 से लेके 1963 तक था, 13 साल का इनका टेन्योर था दोस्तों, पहले अटॉर्नी जनरल थे। इन्होंने कहा कि ठीक है कि अगर इसको लीगल राइट्स या लीगल रेमेडीज नहीं दे पाए, लेकिन ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, कि जो ये रिमाइंड कराएंगे कि ये बेसिक प्रिंसिपल है न्यू एंड सोशल इकोनॉमिकल इकोनॉमिक क्रिएट करने के लिए। जब आप इक्वल स्टेटस देंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, तो सब आगे बढ़ेंगे। तो एक ये बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी गवर्नमेंट के लिए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि ये बेकन लाइट, बेकन लाइट दोस्तों जो इनके, इनका कहने का मतलब है कि ये जो कार्स में जो लाइट्स लगी होती हैं मिरर वाली, तो ये कोर्ट के लिए वो लाइट हैं जो इनको बताएंगे कि जो चीज़ें, जो पॉलिसीज आ रही हैं, वो बेसिक रूट्स जो हैं, बेसिक प्रिंसिपल जो हैं, उसके खिलाफ तो नहीं है, उसके अगेंस्ट तो नहीं है, तो कोर्ट के लिए रिव्यू करना ये आसान होगा। तीसरी बात क्या कही, इसके जो प्रिंसिपल हैं, यूटिलिटी है, उसमें एक बात कही कि ये डोमिनेटिंग बैकग्राउंड है टू ऑल स्टेट एक्शन लेजिस्लेटिव, और ये गाइड करते हैं कोर्ट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, कि भाई आप सरकार में बैठे हो, आपको काम कैसे करना है, आपको पॉलिसीज किस पे बनानी है, आपको फॉरेस्ट बचाना है, आपको अल्कोहल बंद करना है, आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है, इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन, और आपको काउ स्लॉटर वाली बात, पंचायतों को पावर, ये सब बातें कौन बताएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल से उठाई जाती हैं ये बातें दोस्तों, याद रखिएगा। और जो प्रीएम्बल का जो बेस था दोस्तों, उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है। क्या था बेस? जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी बंधुत्व होना चाहिए, इक्वल स्टेटस होना चाहिए सबका। तो ये प्रीएम्बल की जो पावर थी उसको स्ट्रॉन्ग करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और इसमें कहा गया है दे फैसिलिटेट द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, ये एक फैसिलिटेशन है, क्या है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर को, तीनों स्फीयर को एक मंच पे लाकर ये एक स्टेबिलिटी क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है पॉइंट में, इसमें ये कहा गया है दोस्तों फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, पार्ट थर्ड में, कौन से आर्टिकल से कहां तक, 12 से 35, ठीक है। ये एक सप्लीमेंट्री है फंडामेंटल राइट का, और ये जो वैकम क्रिएट होता है, जो चीजें हम नहीं प्रोवाइड कर पाए पार्ट थर्ड में, उसका ये जो वैकम क्रिएट है उसको फुलफिल करता है सोशल इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करके। और इसमें कहा गया यूटिलिटी जो है इसकी दोस्तों, कि ये फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट बनाता है, कि इंसान जो है, जो पीपल्स हैं, वो अपने फंडामेंटल राइट अच्छे से एंजॉय कर सकें। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो मिल जाती है, इकोनॉमिक, और अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है लेकिन इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी नहीं है, तो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी हमें कौन प्रोवाइड कराता है? अपनी पॉलिसीज के द्वारा सरकार प्रोवाइड कराती है, और पॉलिसीज किस पर बेस्ड होती हैं? डीपीएसपी पे, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट, ये अपोजिशन को कंट्रोल करने की पावर देता है, कि मतलब अपोजिशन जो है गवर्नमेंट से पूछे कि भाई आपने करा गया, आपने किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे पॉलिसी बनाई, हमको बताइए। ये ग्राउंड है रूलिंग पार्टीज को, अपोजिशन जो है ब्लेम कर सकती है रूलिंग पार्टीज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, ये एक सरकार का टेस्ट है कि भाई जो सत्ता में बैठे हैं, जो सरकार बनाए हैं, चाहे स्टेट में चाहे सेंटर में बनाए हैं, उनका टेस्ट है कि वो पीपल को क्या प्रोवाइड करते हैं। द पीपल कैन एग्जामिन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, कि भाई किस बेस पर पॉलिसी बनाई है आपने, सोशल बेस पर, लिबरल बेस पर, गांधियन बेस पर, आपने करा क्या है। तो ये एक टेस्ट है गवर्नमेंट का।
और लास्ट पॉइंट दोस्तों ये कहता है कि पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, जैसे सरकार बनती है तो बीजेपी अपना मैनिफेस्टो लाती है, कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लाती है, और जो रीजनल पार्टीज होती हैं सपा बसपा जेडीयू एनसीपी सब अपने अपने मैनिफेस्टो लाती हैं दोस्तों। कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की पार्टी हो, डजंट मैटर, उसका जो बेस रूट होगा पॉलिसीज का, जो भी बेस रूट होगा वो डीपीएसपी से कर्टेन होगा। फार्मर्स को हम प्रोवाइड करेंगे और न्याय स्कीम देंगे। न्याय स्कीम क्या थी कांग्रेस की, कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल जस्टिस मिलेगा, इक्वलिटी आएगी, तो ये सब चीज़ें आएंगी। लिखा है रूलिंग पार्टी रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैज टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट दिस प्रिंसिपल आर इंटेंडेड टू बी एज गाइडेड। हाँ, उनके लिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, ये एक फिलोसोफर की तरह हैं, एक फ्रेंड की तरह हैं, जो इनको बताते हैं कि भाई हमें अपने मैनिफेस्टो में क्या रखना चाहिए। तो ये बात हुई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की सेकंड पार्ट की। अब एक पार्ट दोस्तों इसका मैं और बनाऊंगा, जो फंडामेंटल राइट से डीपीएसपी को कंपेयर करता है, ठीक है दोस्तों। तो इन वीडियोस को, अमेंडमेंट्स को याद रखिएगा, 42, 44, 86, 97, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है दोस्तों। और यूटिलिटी याद रखिएगा कि अपोजिशन ब्लेम कर सकता है, गवर्नमेंट का टेस्ट है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, कोट करके यूपीएससी क्वेश्चन बना देती है। मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।